17 महीने बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। शराब घोटाले में सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च को उसी केस में ईडी ने भी उन्हें अरेस्ट कर लिया। इन 17 महीनों में सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उनकी 7 बेल पिटीशन खारिज हुई। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। रिहा होने के बाद सिसोदिया ने कहा, संविधान की ताकत से मुझे जमानत मिली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा। आज मेरा रोम रोम, जब से ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। सिसोदिया की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, ये सच की जीत है। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। सिसोदिया को जमानत मिलने पर पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी मिठाई बांटी। संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी और केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा है। अब इसी तरह बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि सारे केस झूठे हैं। ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इससे निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ताकत मिलेगी। और जल्द ही हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे।
लेकिन बीजेपी के नेता संभल कर बोले। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कानून के तहत बड़े से बड़े अपराधी को भी जमानत मिल जाती है, मनीष सिसोदिया को भी मिल गई, इसमें सत्य की जीत कैसे हो गई? वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सिसोदिया हो या केजरीवाल, सबने शराब घोटाले में रिश्वत खाई है और इस जुर्म का फैसला तो अब जनता ही करेगी। इस हिंदुस्तान में हर अपराधी को अपनी जमानत के लिए याचिका डालने का अधिकार है। मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, अपराध मुक्त नहीं हुए हैं, और बेल मिलने का मतलब ये भी नहीं कि आप गिल्टी नहीं हैं। जांच अभी चल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जिस पे आम आदमी पार्टी बहुत सत्यमेव जयते लिख रही है, मैं उन्हीं के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते दिल्ली नगर निगम के मामले में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था तो इन्हीं नेताओं के चेहरे पर बौखलाहट क्यों थी? क्यों अनाप शनाप बोल रहे थे? भारतीय जनता पार्टी सदैव न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है, हम इस निर्णय का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, मामला न्यायालय के विचाराधीन है। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों या बाकी इनके नेता हों, इन सब ने कमीशन और दलाली खाई है, सच सामने आएगा ही। केजरीवाल से नाराज आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से बहुत खुश हैं, उन्हें पूरी उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया अब लीड लेकर सरकार को सही दिशा में ले जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मनीष सिसोदिया फिर से दिल्ली सरकार में मंत्री जरूर बनेंगे और उन्होंने जो काम शुरू किए थे उनको आगे बढ़ाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन, उनके पास जो पद थे वो उन्हीं के हैं। जैसे ही जेल से बाहर आएंगे अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि उन्हीं का पद है, चाहे मनीष जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे सत्येंद्र जैन, ये पद इनके लिए हमेशा से हैं। जिस दिन आएंगे उनको ये पद मिलेंगे। उम्मीद तो जनरली है, जैसे हेमंत सोरेन साहब के मामले में तो वो 2-3 घंटे में बाहर आ गए थे, मगर यहाँ पे जो जेल प्रशासन है वो LG साहब के दबाव में रहता है, तो हो सकता है कुछ छोटा मोटा षड्यंत्र करें, मगर आज नहीं तो कल आना ही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां जो की वो बहुत ज़रूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बार बार कही, बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। जब तक किसी आदमी के ऊपर कोई गुनाह साबित ही नहीं हुआ, आप उसको जेल में कैसे रख सकते हैं? लेकिन बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत इसलिए मिली क्योंकि ट्रायल में देरी हो रही थी, वो बरी नहीं हुए हैं। ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले का आर्किटेक्ट कहा था, इसलिए आम आदमी पार्टी ज्यादा खुशी ना मनाए क्योंकि अभी सिसोदिया के गुनाहों का हिसाब होना बाकी है। मैं जानती हूँ कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। चार्जशीट में ये बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है।